हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। मेरे पास पूर्णांक 3/4 है भागा 14/3 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भागा 1/2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं बेसिक शॉर्ट तरीके से। तो पहले हमको का काम करना पड़ता है क्योंकि बोर्ड मास में का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं फटाक से। तो हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको होता है 91/4। कैसे करते हैं, तो 4 से इसमें गुना करते हैं और फिर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको हम जिस तरह है उसी तरह रहने देंगे। उसके बाद का है तो यहाँ पे हम का लिखेंगे और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका यहीं पे करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है। तो अगर इसको सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे 8/40, 40 - 1/5 एलसीएम ले लिया है, यहाँ 5 है प्लस 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये गुना भागा में है, गुना में जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1 इस तरह से हो जाएगा। बाय 1 होता है लेकिन 1 नहीं खड़ा जाता, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म। तो यहाँ पर इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। और अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो 91/4 ये गुना में है, इसको भी फिलहाल इसी तरह रहने देते हैं। फिर इसका कर लेते हैं काम, यानी यहाँ का है 39/5। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 4 यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे भी गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी भागा ही रहने देते हैं क्योंकि अभी गुना का काम नहीं हुआ, तो गुना फिलहाल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे गुना हो जाएगा 39/5। ये कट गया इससे, कितना बार में काटा, 1 3 13 बार में, यानी कि अब इसका होता है यहाँ पे भागा है और यहाँ पे ये गुना में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 91/5। तो 91/4 गुना, और ये नीचे वाला अंक है, अब इसको इतना लिख दिया है, यानी कि इसको हम कुछ नहीं किया है, यहाँ पे 91 के 91 लिख दिया है, 14 के 14 और 13 × 5। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको गुना में करना है, और यहाँ पे 14 और 13 है जो नीचे वाला रहता है, वो गुना में जाने के बाद ऊपर हो जाता है, तो इसको ऊपर कर देंगे और नीचे इस तरह से, और ये कट गया 7 बार में, 7 × 2 = 14 दो बार में, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 और नीचे में 4 और 2 = 8, तो इसका आंसर इतना होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये है और सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो टुडे।